स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। तो सभी छात्र देखें, प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न नंबर 1, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो सभी छात्र देखें कि इसका नियम क्या है। हम देखते हैं कि मान लो एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। बी को दो भागों में एल तथा एम में इस प्रकार विभक्त करें कि एल प्लस एम इक्वल बी, एल इंटू एम इक्वल टू ए सी। इन कंडीशन के साथ हम बी को दो हिस्सों में बांटेंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। तो हम देखते हैं कि माइनस 5 प्लस 2 इक्वल माइनस 3, माइनस 3 किसके इक्वल है, b के। इसी प्रकार देखते हैं कि माइनस 5 इंटू 2 इक्वल माइनस 10 और ये किसके इक्वल टू है, ए सी के। तो इस नियम के आधार पे हमने इसको डिवाइड किया। अब हम इसको और सिंपल करते हैं तो हम इसमें से x कामन निकाल देंगे। अब हम इसको कर रहे हैं तो x कामन निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, x माइनस 5 और यहाँ पर 2 कामन निकला तो x माइनस 5 इक्वल 0। अब हम इसको और सिंपल करते हैं तो x माइनस 5 एक्स प्लस 2 इक्वल 0। अब हम इसको सिंपल करते हैं तो x माइनस 5 इक्वल 0 या x प्लस 2 इक्वल 0। तो हम देखते हैं कि या तो x इक्वल टू 5 होगा या x इक्वल टू माइनस 2 होगा, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से सभी छात्र सेकंड क्वेश्चन भी हल करने की कोशिश करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना संख्याएं x तथा 27 माइनस x हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न अनुसार x 27 माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है, 182। इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर को दाएं तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर और 27x को दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। तो ये हमको वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, किसको, b को। तो ये हो जाएगा माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। इसमें से x स्क्वायर कामन निकल गया तो यहाँ पर हम देखते हैं
हम यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 13, और इसमें से 14 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 इक्वल 0। तो हम x माइनस 13 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल 0 या x माइनस 14 इक्वल 0। इसको हम देखते हैं कि x की वैल्यू या तो 13 होगी या 14 होगी, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का गुणनफल 365 हो। तो यहाँ मान लेते हैं, माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1, ठीक है, तो इनके वर्गों का योग, प्रश्न क्या दिया हुआ है, इनके वर्गों का योग, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 365। इसको आप सिंपल करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 इक्वल 365। इसको आप और सिंपल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 365 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 364 इक्वल 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x² 2x माइनस 364 इक्वल 0। 2 से पूरे संख्या को डिवाइड कर दीजिए तो x² प्लस x माइनस 2 से डिवाइड किया 182 इक्वल 0। और अभी हमने आपको जिस तरह से क्लास फ्रैक्शन मेथड से आपको वर्ग समीकरण हल करना होता है, उसी मेथड से आप इसका एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, और इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लीजिए। तो इसको ट्राई करिए पूरा करने का। चलिए इसको अच्छा पूरा करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। इसको सिंपल करेंगे तो आपका ये x कॉमन निकल गया, तो x प्लस 14, और यहाँ से 13 कॉमन निकला तो x प्लस 14 इक्वल 0। तो इसमें हम x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यू होंगी, या तो माइनस 14 और 13। तो चूंकि x धनात्मक पूर्णांक है इसलिए x का मान सिर्फ एक ही मान होगा, वो क्या होगा आपका 13। तो अगली पूर्णांक संख्या x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 14। तो आपकी जो दो संख्याएं होंगी कौन कौन सी होंगी, 13 एंड 14, ये आपका आंसर हो गया।